दोस्तों हमारी आज कबूतरी ने अंडा दे दिया है, देखें चेक करें। अब पता नहीं वो इसे संभालती है या ज़ाया कर देती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसी दवाइया कलामात के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों रात में ना बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, तेज़ आंधी और बारिश। सेटअप तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार है और एक दो केज तैयार करने वाले हैं। धूप के लिए जो छत थी वो हमने तैयार कर ली है। चलें दिखाते हैं आपको, कुछ मेहमान भी नए आए हुए हैं। ये है जी हमारा सेटअप, छत तैयार हो गई है। साइडों पर धूप ना आए इसके लिए कपड़ा लगा दिया गया है ग्रीन वाला, और इसके नीचे केज ताकि डायरेक्ट जो है ना धूप वो इन खुडों पे ना पड़े। ये है जी हमारी शर्मीली जोड़ी और ये अभी तक अटैच नहीं हो रही। इन्हें बांध के भी रखना पड़ रहा है, बहुत डरती हैं सभी से। ये ले हमारे रांझे साहब की हीर आग पहुंच गई है और ये बाहर निकलने के लिए बेताब है। चेक करेंगे माशाल्लाह दोस्तों। ये है जी तैयारी हमारी कंप्लीट। ये साइडें मैंने बंद नहीं की ताकि कपड़ा बावक्त ज़रूर हटाया और लगाया जा सके। बेटा पीछे हो जाओ, बेटा पीछे हो जाओ। चेक करेंगे माशाल्लाह सेहतमंद। चेक करेंगे माशाल्लाह। मियां वाली की मुर्गी, बखर का मुर्गा, जुड़वा शहरों को जोड़ दिया हमने यह। चेक करें जी ये भी माशाल्लाह तैयारी हमारी कंप्लीट है। असल में ना मुझे इस एरिया की इजाज़त मिली है यहाँ तक। ये तकरीबन 13 फीट 11 फीट का एरिया है, रिक्वेस्ट की हुई है। यहाँ पर मुझे एक और खुड्डा बनाने की इजाज़त मिल गई अगर तो यहाँ पर कबूतरों का बनेगा। एक और मेहमान है जी हमारे पास, ये हैं जी। ये एक दोस्त के पास पड़े हुए थे, उसने बोला कि ये ले जाओ अपने सेटअप पर। ये बच्चा है, पैर पूरा नहीं है ये, और पीछे जो पीछे है वो मादी है। उम्मीद है दोस्तों मुर्गी पालन का जो मेरा सेटअप तैयार हो रहा है वो आप सबको पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। असी अपना काम खिंच के रखते हैं जी, तो तुसी
सबसक्राइब वालों कम थोड़ा तेज़ कर दियो ताकि साड़ी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों ये कबूतर निकाल रहा है, ये अहमद महमूद। ओए लड़ाई होगी। ना भाई लड़ना नहीं। ये है जी, अगर इजाज़त मिल गई यहाँ पर 4x10 का और तकरीबन 5 फुट हाइट का कबूतरों का बनेगा जी केज। दोस्तों हमारी आज कबूतरी ने अंडा दे दिया है, देखें चेक करें। अब पता नहीं वो इसे संभालती है या ज़ाया कर देती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखें वो पीछे वाली है, ये वाली। अहमद साहब अंडा देखा आपने? इधर देखो, ये देखो इसमें से बच्चा निकलेगा है? निकलेगा। समीर बेटा आ जाओ, ये आपसे नहीं पकड़े जाने, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। शाबाश, ये मादी है जी, ये ऊपर बच्चा है अभी। बहुत तेज है, पकड़ ले क्या? पकड़ो, पता चल जाएगा। नहीं वो भाग जाएगा दूर, नहीं पकड़ो। कुर्तियां चेक करो जी इनकी, माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। तो दोस्तों हमारी तैयारी जो क्या तकरीबन तकमील के मरहल में, छत तैयार और खुडे हमारे तैयार हो रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही जैसे जैसे परिंदे हमारे आते जाएंगे और हम आगे आगे इंशाल्लाह वैसे ही उसके हिसाब से उनके केज तैयार करते रहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो है वो एक दो और जानवर हमारे लेके आने का प्रोग्राम है। ये देखिए दोस्तों, इसके हमने ना दोस्तों इसके पार्टीशन कर दिए है, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। पहले ये सिंगल था, अब मैंने इसे दो हिस्सों में दोस्तों तकसीम कर दिया है। ये मैंने हिस्सा कबूतरों के लिए कर दिया मुकर्रर फिलहाल, और ये जो है छोटे चूजों के लिए, ये बड़ों के लिए है। तो दोस्तों ये है जी हमारे डग्स, डग का केज, शर्मीली जोड़ी, हाँ भाई अब राजी हो, अब तो जोड़ीदार पार्टनर मिल गया तुम्हें, हाँ ठीक है ना, गुड हो गया। मैं इससे बात कर रहा हूँ रांझे से, ये रांझा है हमारा। मिट्टी नहीं खाते वो बेटा, उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो और सेटअप अच्छा लगेगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। माशाल्लाह ये हमारी मादी है जी, न्यू एंट्री है, और आप लोग तो नीचे आ जाओ यार, हैं तो दाना खाना खा लो, क्या हो गया? नए हो मगर इतने भी नहीं डरो यार, तुम्हारा अपना घर है। माशाल्लाह।
पहले से काफी बड़े हो गए हैं।